सो हे गाइज, वेलकम बैक टू फ्री एरा चैनल पे। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। अभी हम 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज है यहाँ पर, और आज की वीडियो का भी लाइक एंड रखते हैं केवल 500 लाइक का, तो यार फटाफट से कंप्लीट करवा दो। तो आज की हमारी फर्स्ट अपडेट है ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो गाइज, ज्ञान गेमिंग से लाइव स्ट्रीम पर पूछा गया, आप राइस्टर के साथ में क्यों नहीं खेलते अभी? सभी भाइयों को दिल से लव यू यार। गए राइस्टर का भाई, राइस्टर ब्रो अभी कुछ दिन से बिजी है, बेचारा घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसलिए नहीं आ रही है। और साथ ही यहाँ पर ज्ञान गेमिंग रिप्लाई किए, जो कि आजकल कमेंट में स्पैम होता है ओल्ड आईडी अनबैन को लेकर के। वोट फॉर ओल्ड आईडी अनबैन। अरे ब्रो, तुम लोग वोट करो ना करो, इसमें फ्री फायर को कुछ भी नहीं होता है। ओके भाई लोग, वो लोग करेगा नहीं, और करेगा तो होगा, ऐसे बात है। तुम लोग बोलोगे नहीं बोलोगे तब भी कुछ फर्क नहीं होता गाइस उसमें, समझ रहे हो? तो गाइज, अभी हमारी अगली अपडेट है देसी गेमर एंड अज्जू भाई के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा, अज्जू भाई ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक पुश कर रहे हैं अभी के टाइम पर, एंड उनका जो ग्रैंड मास्टर रैंक पुश है वो काफी ज्यादा सीरियस भी है यहाँ पर। और अगर आप देसी गेमर अज्जू भाई की लाइव स्ट्रीम देखते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर अज्जू भाई इतने सीरियस है कि उनके बीच में आर्ग्यूमेंट भी हो जाते हैं। तो पहले मैं आपको एक आर्ग्यूमेंट दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर अमित भाई अज्जू भाई आर्ग्यूमेंट कर रहे थे इस चीज को लेकर के कि उनको एक बंदे ने स्ट्रीम स्नाइप कर दिया यहाँ पर। अमित भाई स्ट्रीम डिले किया तभी खेले के साथ में, वरना नहीं खेले। मैं बोल रहा हूँ आधा घंटा डिले कर, डन आधा घंटा। हाँ, क्योंकि वो कद के बाहर ही डिले कर देते हो आप। यू भाई, दिल 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 दिल। अरे ये अजय वन ऑफ द रेयरेस्ट केस था अब तक का। तुम्हारे टीजी के बंदे, हमारी क्या गलती है? डीजी का था, वो टीजी का था। तुम्हारे बंदे तुमको धोखा देते, हम क्या करें यार? अमित भाई थोड़ा ब्रेन भगवान ने दिया है तो यूज करो ना यार, थोड़ा हल्का सा ब्रेन। क्यों भाई, ना तो हो जाएगा। अच्छा है ही नहीं ऐसा भाई। यार तुम्हारे टीजी के बंदे ऐसे, टीजी वाले बंदे क्या कर रहे तुम लोग यार, ऐसा स्ट्रीम स्नैप करके मार रहे हैं राजी भाई कोई? अरे हमारे टीजी वाले बंदे मेरे साथ खेलने के लिए मैच मेकिंग करते हैं, टीजी वालों की तरह थोड़ी है कि मैच मेकिंग ही नहीं करना है भाई, करना ही नहीं है भाई। भाई वो इज्जत की बात होती है ना यार, रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती है, क्या फायदा मैच मेकिंग लगा के मारना है तो भाई। हाँ हमारे लिए तो यही रिस्पेक्ट। हाँ रिस्पेक्ट पा लिया ना, हो गया, आप चुप रहो, पा लिया ना भाई। और आ जाओ और रिस्पेक्ट दो अजी भाई को, रिस्पेक्ट बोलते हो? हाँ हम तो ऐसे ही बोलते हैं भाई, इसको इज्जत बोलते हैं। अगर दम है तो स्ट्रीम को भाई, दो दो तीन तीन बार एक गेम में मरना है, बचाते रहना है, मरते रहना है, उसके बावजूद तुम लोग यहाँ पर स्ट्रीम का दोष देते हो। और अभी इसके बाद में अमित भाई, रोमियो गेमर एंड अज्जू भाई तीनों ने अपनी लाइव स्ट्रीम को डिले कर दिया 2 से 3 मिनट से। और साथ ही आपको बता दूं कि अज्जू भाई फाइनली यहां पर ग्रैंड मास्टर पहुंच चुके हैं। तो अज्जू भाई अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर कहे कि ग्रैंड मास्टर डन, यानी कि वो ग्रैंड मास्टर पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अगर इसके ऊपर में 10,000 लाइक आते हैं तो वो हीरोइक से ग्रैंड मास्टर का हाईलाइट अपलोड करेंगे 3 से 4 दिनों के अंदर में। और गाइज, देसी गेमर भी अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड किए, मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज लोड नहीं हो पा रहे अभी, अगर किसी का रिप्लाई करना अर्जेंट और मैं ना कर पाऊँ तो समझ जाना। वैसे भी तुम लोग मैसेज कम और रील ज्यादा भेजते हो। तो गाइज, अभी हमारी अगली अपडेट है एसर गेमिंग लीग के ग्रैंड फाइनल के बारे में। तो गाइज, कल हुआ था वाइल्ड कार्ड राउंड, जहां पर 6 टीम यहां पर क्वालिफाई हो चुकी है ग्रैंड फाइनल के लिए। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ओरा ई-स्पोर्ट्स, ओरंगटन एलीट, गोल्ड लाइक ई-स्पोर्ट, टीम कियोस, फोर अननोन, वर्ल्ड ऑफ बैटल, ये 6 की 6 टीम क्वालिफाई हो चुके हैं यहाँ पर। और इसके अलावा जो 6 टीम यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पाई उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड इनके बीच में यहाँ पर 2 साइड गेमर भी क्वालिफाई नहीं हुई यहाँ पर। और गाइज, जोंटी भाई अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर वापस रिप्लाई किए कंट्रोवर्सी को लेकर के। आज एक बात क्लियर कर दूं, जीतने के लिए खेलेंगे तो टीम थर्ड पार्ट में मार देगी और टीम का परफॉर्मेंस भी डाउन होगा, इसलिए फायर पावर से काम लेते हैं और जो बाकी टीम करती है वो करना है ओनली क्लैश और उनका गेम खराब। कौन कौन फंसेगा इसमें जल्दी पता चलेगा, एक तो फंस गई है, बस अब ओनली टारगेट गेम और क्लैश। तो गाइज, आप यहाँ पर समझ गए होंगे जोंटी भाई किन टीमों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। और गाइज, साथ ही आपको यहाँ पर अपडेट देने वाला हूँ फ्री फायर इंडिया को लेकर के। तो गेमिंग और अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर बताया कि सुनने को मिल रहा है फ्री फायर इंडिया नेक्स्ट मंथ आएगा, और यहाँ पर वो सोर्स के तौर पर लिखे ट्रस्ट मी ब्रो। तो गाइज, आपको यहाँ पर क्या लगता है कि सच में फ्री फायर इंडिया नेक्स्ट मंथ में आने वाला है, या फिर गेमिंग और यहाँ पर थोड़े से ट्रोल कर रहे हैं किसी को, या फिर थोड़े मजे ले रहे हैं यहाँ पर? बाकी अभी कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज कन्फर्म नहीं हुई है, ना ही अभी बताया गया कि इस मंथ आएगा या फिर नेक्स्ट मंथ आने वाला है। बाकी आपको यहाँ पर क्या लगता है अपने ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो आप। और गाइज, साथ यहाँ पर बात लेते हैं वर्ल्ड सीरीज के बारे में। तो बताया जा रहा है कि फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के अंदर में शायद इंडिया को 1 स्लॉट दिया जा सकता है, और जो 1 स्लॉट बचेगा वो इंडोनेशिया, मिडल ईस्ट या फिर ताइवान को दिया जा सकता है यहाँ पर। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको अगली वीडियो में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।